क्रिकेट के जानकार अक्सर ये कहते हैं कि जिस खिलाड़ी का सिलेक्शन नहीं होता उस खिलाड़ी में सभी को टैलेंट दिखाई देता है। उन सभी को लगता है अगर वो खेल रहा होता तो हम मैच जीत जाते, लेकिन काफी हद तक ये सच भी है। आज हम बात कर रहे हैं ईशान किशन की। अफगानिस्तान दौरे पर जब टीम में उनका नाम शामिल नहीं किया गया था तो हमारे और आपके मन में बस एक ही सवाल था, क्या ईशान किशन के साथ गलत हो रहा है। बीते एक साल से ईशान किशन टीम इंडिया के हर दौरे में शामिल थे। जब भी उन्हें मौका मिलता उन्होंने अपने बल्लेबाजी से अपना जलवा दिखाया, लेकिन आज वो सिर्फ एक बैकअप खिलाड़ी बनकर रह गए हैं। ईशान किशन के पास सब कुछ है, स्ट्राइक रेट, हर नंबर पर बल्लेबाजी करने की काबिलियत, लेकिन इन सबका क्या फायदा। उन्हें देखकर लगता है कि अब वो केवल एक ऑप्शन बनकर रह गए हैं। ये सब देखकर ईशान किशन भी थक गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब वो ब्रेक लेना चाहते हैं। वहीं उनके इस फैसले से बीसीसीआई भी सहमत है। ब्रेक के दौरान उन्हें दुबई में पार्टी करते हुए देखा गया। ईशान किशन की पार्टी उन्हीं पर महंगी पड़ गई। कहा जा रहा है कि इस हरकत के बाद उन्हें टीम इंडिया में शामिल नहीं किया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि विराट और रोहित की अफगानिस्तान दौरे पर वापसी हुई। साथ ही संजू सैमसन और तिलक वर्मा को टीम में शामिल किया गया है, लेकिन ईशान किशन को जगह नहीं दी गई। बीते एक साल से उनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन क्रिकेट के पंडितों का कहना है कि शायद बीसीसीआई ईशान किशन के इस रवैये से नाराज है। अब देखना यह होगा कि ईशान किशन को इस पार्टी की कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी।